हेलो एवरीवन, दिस इज मी साविया हियर और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग, जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं और जानना चाह रहे हैं कि क्या आपका पर्सन आपके साथ वापस कॉन्टैक्ट में आना चाहता है या नहीं, तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं, उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसेस पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रिचार्ज करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो क्या ये पर्सन आपके साथ वापस कॉन्टैक्ट में आना चाहता है, हाँ या ना? यू हैव द हाई प्रीस्ट। मुझे लगता है कि आपका जो ये पर्सन है, इसका बिलीफ सिस्टम और आपका बिलीफ सिस्टम मैच नहीं करता। टावर मुझे लगता है कि आप जब भी एक दूसरे के साथ आते हो, एक दूसरे के पास आते हो, तो आप दोनों का हमेशा जो सिचुएशन रहती है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है। और आपके पर्सन जो है अपने यू नो पास्ट एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर, उनको उनको नहीं लगता कि वो ये कनेक्शन दोबारा हैंडल कर सकेंगे। सो आपका पर्सन कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है राइट नाउ और ना ही करना चाहता है। मुझे लगता है कि अगर आप कॉन्टैक्ट करते हो तो आपको रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं मिलेगा। ये पर्सन फिलहाल तो इस सिचुएशन में नहीं है कि वो आपको कॉन्टैक्ट करने का उसका मन हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक मेंशन करूँगी बात, आप स्पेशली वो लोग जो खुद अप्रोच करते हैं पर्सन को और पर्सन आपसे बात नहीं करते हैं, उसका रीज़न यही है कि वो बात नहीं करना चाह रहे। यू नो दिस इज़ वेरी क्लियर कट यू नो मैसेज जो आपके पर्सन की तरफ से आपको मिलता है। लेकिन स्टिल अगर आप यू नो कंटिन्यू करते हो कोशिश करना और पर्सन को रीच आउट करते हो, बात करने की कोशिश करते हो, आपको लगता है शायद वो मान जाए, शायद वो बात करें, तो मुझे लगता है कि थर्ड टाइम के यू स्टॉप डूइंग दैट। आपके पर्सन ने अगर आपसे बात करनी हो तो वो आपको खुद कॉन्टैक्ट कर लेंगे। अगर आपको वो उनको नहीं लग रहा कि वो यू नो आपका जो एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ, वो उसमें आपके साथ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि अगर आप कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे, आपके पर्सन के माइंड में जो पास की चीज़ें वो ट्रिगर होंगी और वो आपको मिस करने के बजाय आपसे और इरीटेट होंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आपके पर्सन का काम, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज रीजन बनी है आपके ब्रेकअप में, तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है अब भी उन्हीं उलझनों में उलझे हुए हैं। कुछ चेंज नहीं हुआ उनकी ज़िंदगी में, कुछ बदला नहीं है उनकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से अगर आप फिर से बात करते हो, रिजल्ट आउटकम सेम रहेगा। अनटिल एंड अनलेस उसकी ज़िंदगी में कुछ बदले और वो खुद बदले और वो खुद आए, आपकी रिलेशनशिप में इस सिचुएशन में कुछ बेहतर नहीं हो सकेगा। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर कि क्या ये आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं राइट नाउ। दो कार्ड्स के साथ तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि वो आपको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। उनको लगता है कि आपका और उनका बन नहीं सकता, जम नहीं सकता। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन, जैसे उनके पास टाइम भी होता है ना, जैसे वो बात कर सकते हो, लेकिन तब भी वो बहाना बनाते होंगे आपसे बात ना करने का। मुझे नहीं लगता कि पर्सन जो है वो बात करना चाह रहा है कम्प्लीटली। एक चीज़ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो आपको कभी मिक्स सिग्नल देता है, जो कि अगेन रीज़न ये नहीं कि वो आपको चाहता है, रीज़न ये है कि वो नहीं चाहता कि उसको वो एक लोनलीनेस फील हो। उसकी ज़िंदगी में शायद कोई नहीं है राइट नाउ, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको अलाउ करता होगा, ऑन एंड ऑफ चलता रहता होगा आपका। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप प्रॉपर रिलेशनशिप में बने या सिचुएशन बेटर हो जाए, तो मुझे लगता है कि उसके लिए यू हैव टू चेंज समथिंग। मुझे नहीं लगता कि आपका ये पर्सन हेल्थी वे में आपके साथ इन टच रहना चाहता है अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे। मे बी दे वुड बी ओके, लेकिन दैट टू इन अ सिचुएशन जहां पर शायद आप जो चाह रहे हो पर्सन यू नो वो आपको नहीं देगा, लेकिन वो जो चाह रहा है, चाहे वो सेक्सुअल प्लेजर हो, चाहे वो फिजिकल इंटीमेसी हो, वो उस हद तक इस रिलेशनशिप में रहना चाहेगा। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन का साथ इन टच होना आपकी डिजायर है, आपकी जरूरत है, पर्सन की जरूरत या पर्सन की डिजायर नहीं है। क्या वो गिवन सर्कमस्टांसिस में आपसे बात करना चाह रहा है? एट टाइम्स वो जब अकेला होता है तो भी वो आपके बारे में जब सोचता है, उसको लगता है कि ये कनेक्शन नहीं सही है, क्योंकि आप शायद डिमांडिंग हो या आप चाहते हो कि रिलेशनशिप में कुछ स्टेबिलिटी के साथ आगे कंसिस्टेंसी के साथ चले। आपका पर्सन ये सब के लिए रेडी नहीं है। सो डेफिनेटली फिलहाल इनके एंड से मुझे नहीं लग रहा कि इंटरेस्ट शो करेंगे अगर आप कॉन्टैक्ट करोगे तब भी, और ये खुद भी कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं। मेजॉरिटी लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे लगता है कि आपका पर्सन फाइनेंशियली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हैं और उनके पास टाइम नहीं है लव और रिलेशनशिप के लिए। सो अनटिल एंड अनलेस उनका ये सिनेरियो ख़त्म नहीं होता, वो आपकी तरफ खुद तो आएंगे नहीं। अगर आप अप्रोच करोगे तो भी आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स ही मिलेगा। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि पर्सन कभी कभी आपके बारे में डेफिनेटली सोचते जरूर है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, बट एट द सेम टाइम वो उस हद तक ही है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन नहीं चाहते हैं कि आपकी उससे बात हो या आप दोनों को के साथ यू नो एक कम्युनिकेशन फिर से रिवाइव हो जाए, क्योंकि उनको पता है कि आप फिर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाओगे, बहुत ज़्यादा बातचीत करना चाहोगे, जो कि वो पर्सन नहीं कर सकता।
वो राइट ना अपने काम के ऊपर फोकस रहना चाहता है, अकेला रहना चाहता है ताकि अपने करियर पाथ को जो है वो स्टेबल कर सके. सो मुझे नहीं लगता कि पर्सन और आपके दरम्यान में कुछ भी स्टेबल हो सकता है गिवन सर्कमस्टांसिस में. मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो जाते हो इस इंसान के साथ और इसको बातें सुना देते हो जो कि शायद ये हैंडल नहीं करना चाहता ना सुनना चाहता है. उसको उसको फिलहाल अपने पैसों से मतलब है, उसको फिलहाल अपने लाइफ से मतलब है, उसको अपनी स्टेबिलिटी से मतलब है, उसके अपने फाइनेंसिस से मतलब है. आपसे इस रिलेशनशिप से उसका कोई ताल्लुक वास्ता एज सच नहीं है. मुझे नहीं लगता कि वो आपको इतना ज़्यादा मिस करता है कि वो आपके पास वापस आना चाहता है. येस एट टाइम्स सोचता है आपके बारे में, बट एट द सेम टाइम वो बहुत ना होने जैसा सोचना है क्योंकि ज़्यादातर वो टाइम अपने आप को बिजी रखते हैं. लव लाइफ को लेकर फिलहाल इनके मन में कोई ख्याल नहीं है, शादी मैरिज कमिटमेंट नहीं. मुझे नहीं लगता कि पर्सन किसी भी लड़की या लड़के में इंटरेस्टेड है फिलहाल. इसको एक ही चीज़ पता है कि इसको रोबोटिक कैसे होना है, इमोशनलेस कैसे होना है, एंड दैट्स प्रेटी मच इट. क्या आने वाले टाइम में ये पर्सन बदलेगा? लेट्स सी, विल दे चेंज एनी टाइम सून, विल दे चेंज एनी टाइम सून. क्या ये पर्सन बदलेगा? होल्ड ऑन, लेट मी पिक द कार्ड्स अप. सो वी डू हैव एस ऑफ सोर्ड्स और एट ऑफ सोर्ड्स, सॉरी एस ऑफ वॉन्ड्स और एट ऑफ सोर्ड्स. मुझे लगता है कि पर्सन जब बदलेगा, एक सेकेंड लेट मी टेक वन मोर क्लैरिफायर फॉर दिस. विल दे चेंज एनी टाइम सून? मुझे लगता है कि पर्सन जो है मेजॉरिटी लोगों के लिए पर्सन नहीं बदलेगा, और जब तक ये बदलेगा तब तक आपकी ज़िंदगी में कोई और आदमी या औरत आ चुकी होगी. सो मुझे नहीं लगता कि पर्सन एनी टाइम सून बदल रहा है. आप इससे दूर होगे, कोई और पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा और ये पर्सन वहीं का वहीं होगा जहाँ पर ये अभी है. सो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपका अल्टीमेट पर्सन हो सकता है. मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई और इंसान आ जाएगा. लेट मी टेक वन मोर कार्ड टू सी अगैन कि क्या ये पर्सन कभी भी आपको लेकर बदलेगा या एनी टाइम बदलेगा. एनी टाइम सून क्या ये पर्सन बदलेगा आपको लेकर? इसने जो अपने इर्द गिर्द एक नेगेटिविटी बनाई है इस रिलेशनशिप को लेकर, ओवरऑल अपनी लव लाइफ को लेकर, मुझे नहीं लगता कि वो बहुत जल्द उससे ब्रेक भी हो पाएंगे. क्या ये पर्सन आपकी तरफ बदलेगा? नॉट एनी टाइम सोन. इसके पास जब टाइम होगा ये डे ड्रीम करेगा, सोचेगा, ट्राई करेगा आपके आपके बारे में चीज़ों को सोचे इस रिलेशनशिप के बारे में, बट मुझे नहीं लग रहा कि कुछ बदलने वाली सिचुएशन डेवलप होगी इस इंसान के और आपके दरमियान में. लेट्स टेक वन मोर कार्ड आस्किंग द सेम क्वेश्चन. क्या ये पर्सन एनी टाइम सोन आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर बदलेगा? विल दे चेंज टूवर्ड्स यू एनी टाइम सोन? शेल यू मूव ऑन. ढेर सारे कार्ड्स नहीं ऐड करेंगे. शेल यू मूव ऑन, शेल यू मूव ऑन, शेल यू मूव ऑन. आप बहुत अटैच हो इस इंसान के साथ, लेकिन आपका रिलेशनशिप कभी भी इस इंसान के साथ बैलेंस नहीं हो सकता. मुझे लगता है कि यू जस्ट हैव टू मूव ऑन, मूव फॉरवर्ड, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली कोई नया पर्सन आएगा. आप इनडिसाइसिव होगे, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन एंटर होगा जो कि आपको जब आप इस इंसान का वेट कर रहे होगे तब आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन एंटर होगा जो कि आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि ये पर्सन जो है जो आपको स्टक रख रहा है ये तो कुछ बता नहीं रहा. तो देर इज़ अ समबडी एल्स कमिंग इन जो कि इस इंसान से 2 साल बड़ा हो सकता है या 3 साल बड़ा हो सकता है. जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो उससे 2 या 3 साल बड़ा होगा ये पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में आएगा, और उस इंसान के साथ आप आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ोगे या फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आप कौन से वाले को चूज़ करो. क्या आप स्टिल उस नए कनेक्शन के साथ मूव ऑन कर जाओ या फिर आप इस इंसान को चेंज होने का वेट करोगे. आप ऐसे मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे नहीं लगता कि पर्सन चेंज होगा. डेफिनेटली ये थ्री ऑफ सोर्ड्स के साथ आया है और जो नया पर्सन होगा वो आपका वर्ल्ड होगा.
मेजोरिटी लोगों के लिए आप नए पर्सन के साथ मूव ऑन करोगे, मूव फॉरवर्ड करोगे, ये जो पर्सन है ये आपको ऐसे ही रहते दिखेगा सारी जिंदगी। मुझे नहीं लगता कि दे आर द वन फॉर यू, फॉर मेजोरिटी ऑफ यू मुझे लगता है कि आपको लगता है कि ये आपका ट्विन फ्लेम है या सोलमेट है, इन एक्चुअलिटी ये आपका कार्मिक पर्सन है या फिर आप ट्विन फ्लेम कह सकते हो जिसके साथ आप एक साइकिल खत्म करके अपने सोलमेट के पास जाओगे। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।